हेलो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही धमाकेदार स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जिसका प्राइस बहुत ही कम है और उसका फंडामेंटल भी आज मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर लॉस है तो एग्जिट भी कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों नीचे वाला लाल वाला बटन दबा के जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तो वो कौन सा धमाकेदार स्टॉक है दोस्तों जो जम के प्रॉफिट देने वाला है, वो स्टॉक का नाम आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। उजास एनर्जी है, 4.80 के भाव में ये चल रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं 4% से भी ज़्यादा अपर सर्किट, अराउंड 5% के आसपास जो है ये एक दिन के रिटर्न दे सकता है, एक दिनों के अंदर रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों स्टॉक बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, ये देख लीजिए, ये वन डे का चार्ट है, ठीक है। वन डे का चार्ट के बाद यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, ये 5 डेज का मैं दिखा देता हूँ। अभी जो है ये बाउंस बैक लेना स्टार्ट किया है, अभी मतलब जस्ट अभी दोस्तों इसने जो है बाउंस बैक लेना स्टार्ट किया है। अभी देखिए स्टेप बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप देखिए ऊपर जा रहा है, ऊपर ही ऊपर जा रहा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कंपनी काम क्या करती है और उसका प्रोडक्ट क्या है। तो दोस्तों कंपनी जो है सोलर पावर में इंक्लूडेड है। आपने देखा होगा दोस्तों अडानी ग्रीन, अडानी ग्रीन भी सोलर पावर में दोस्तों इंक्लूडेड है। उसने कितना अच्छा जो है पैसा बना के दिया है लोगों को, बहुत अच्छा दिया है दोस्तों। उसी तरह ये भी है, लेकिन एक क्या है दोस्तों, अडानी ग्रीन भी एक डेट में बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था और ये स्टॉक भी अभी बहुत ज़्यादा गिरा हुआ। तो ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं। उसके साथ ये देखिए, देखिए सोलर पावर बनाने का ये देखिए बहुत बड़ा प्लांट है दोस्तों, दिखा देता हूँ। और ये कंपनी दोस्तों इंक्लूडेड है REC लिमिटेड, गवर्नमेंट कंपनी है दोस्तों वो भी। तो यहाँ पर देख सकते हैं हर जगह जो है इनका जो सोलर पैनल लगाने का ये है, क्योंकि देखिए एक चीज़ आपको तो खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी अगर यहीं से कहीं से आ सकती है फ्यूचर में जो हमें मिलते रहे, तो वो है दोस्तों सोलर पैनल। आप कहीं भी जाइए, कार में जाइए, मतलब कहीं भी अगर जाइएगा तो ये जो है मूवेबल है, तो आप इसको मोबाइल करके कहीं भी ले जा सकते हैं दोस्तों, इसको मोबाइल करके आप कहीं भी ले जा सकते हैं। तो हालांकि ये बिजनेस जो है धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में ये भी हो सकता है कि बहुत अच्छा ग्रो हो जाए। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जितना भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जितना भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सब एक ही काम करते हैं, कुछ करे चाहे ना करे दोस्तों एक काम जरूर करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को भड़का देते हैं। हमारे इन्वायरमेंट मतलब कि दोस्तों गर्मी बढ़ा देते हैं, इतना ज़्यादा हॉट लगता है गर्मी सीजन में, आप देखो इतना ज़्यादा पसीना आता है। पहले तो नहीं आते थे, पहले आप सोच लो आज से 15 साल 20 साल पहले कितना अच्छा था, आज के डेट में देख लो ठंडी के मौसम में भी कभी कभी पसीना आ जाता है। लेकिन उससे क्या हमें प्रॉफिट क्या मिलेगा इस कंपनी को दोस्तों, जितना ज़्यादा गर्मी उतना ज्यादा इस कंपनी को प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर पाएगा सूरज के रोशनी से, उसके रे से, उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा कंपनी को। तो ये हम आ चुके हैं NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ पर देख सकते हो। अभी जो यहाँ पर करेंट मार्केट प्राइस देख लीजिए, लेकिन इसमें होल्डिंग मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर होल्डिंग देख सकते हो, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों होल्डिंग, यहाँ पर देख लीजिए 99.63% है। मतलब कि अगर कुछ शेयर बचा है तो वो कुछ ही बचा है, मतलब कि कुछ ही बचा है जो कुछ ही लोग खरीद सकते हैं, मतलब कि ऐसा मौका बहुत कम मिलने वाला है। तो देखिए इसका डिलीवरेबल क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, और क्वांटिटी ट्रेडेड भी देख सकते हैं, अगर क्वांटिटी ट्रेड हो रहा तो यहां पर देख लीजिए वो भी मतलब हाई मार्जिन में जो भी हो रहा है, जितना हो रहा है दोस्तों कंपनी अपना जो है पॉजिटिविटी ज्यादा से ज्यादा ये दिखाने का कोशिश कर रही है। और प्राइस इंक्रीज होने के वजह से यहाँ पर देख सकते हो कोई भी सेल करने के लिए रेडी नहीं है, कोई भी देख लीजिए एक भी क्वांटिटी, देखिए सेल क्वांटिटी एक भी नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बाय क्वांटिटी देख लीजिए दोस्तों, बाय करने के लिए बहुत लोग रेडी हैं, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कंपनी का इन्फॉर्मेशन, कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में, वो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा कंपनी लॉस में होती है उसका शेयर का प्राइस ऑलरेडी नीचे चला जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 900.68 का यहाँ करोड़ों में इनको प्रॉफिट हो रहा है, 900 करोड़ का इनको जो भी है प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और लास्ट में पहले क्वार्टर रिजल्ट देख लेते हैं जून का, जून के बाद सितंबर में, तो दोनों में ठीक है दोस्तों। एक बहुत बड़ी बात है, प्लीज नोटिस कीजिएगा, प्लीज दोस्तों वो चीज बताने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यही एक चैनल है जहां पर आपको एक दिन पहले बताया जाता है कि कौन सा शेयर का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, जिससे आप जम के खरीदारी कर सकते हो और अच्छा से अच्छा बेनिफिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, ठीक है ये नोटिस कीजिएगा।
यहां पर क्या है कि यहां पर देख लीजिए 30 जून 2019 को ओनली 13 प्रॉफिट था, ठीक है। अगर रुपीज में मान लेते तो रुपीज में, लेकिन ये जितना भी होता करोड़ में होता, ठीक है, जो भी होता करोड़ में होता, ठीक है दोस्तों। तो मान लेते कि 13 करोड़ का प्रॉफिट था, हम लोग रुपीज में मान लेते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है, 13 करोड़। उसके बाद दोस्तों यहां पर देख सकते हो जून के बाद, जनवरी के बाद यहां पर देख लीजिए सितंबर में क्या है दोस्तों, 900 करोड़। तो 13 से 900 करोड़, मतलब सोच रहे हो मल्टीप्लाई में कितना बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों। यहां 10 रुपया है, यहां 1,000 होने वाला है, यहां 10 है, वहां 1,000 होने, मतलब कि ये जो बहुत बड़ा जो स्केल अप, मतलब कुछ बड़ा करने का जो है कर रहा है, इसीलिए हमें यहां पर कुछ भी नहीं मिल पा रहा। क्या बोलते हैं दोस्तों, होल्डिंग में, ठीक है, होल्डिंग में हमें कुछ भी नहीं मिल पा रहा, सब पहले से खरीद के रखें, देख रही सब लोग पहले से खरीद के रखें 99.63%। और ये जल्दी दोस्तों 100% हो जाएगा, जल्दी 100% हो जाएगा, मुझे लगता नहीं है कि कोई छोड़ेगा। और देख लेते हैं इसका शेयर होल्डर पैटर्न, देख लेते हैं कि कंपनी का शेयर होल्डर पैटर्न कैसा है, ठीक है। अगर कंपनी मोर देन 50% कंपनी अगर अपना शेयर को खुद रखती है तो कंपनी अच्छा माना जाता है, ठीक है। कंपनी देख लीजिए दोस्तों, कंपनी यहां पर 60% देख लीजिए प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है, चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है, 60%। और उसके बाद पब्लिक के पास है 39%। यहाँ पर कोई मतलब कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन वो लोग कुछ भी यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है, पब्लिक है और कंपनी है, दो ही चीज़ है। क्योंकि दोस्तों फॉरेन इंस्टीट्यूशन या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन उसी में जाते हैं जिसमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दिखाई देती है, सबका अपना अपना चॉइस होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों प्रमोटर्स के बाद पब्लिक के पास भी अच्छा होल्डिंग है। और कंपनी का रियल पावर तब पता चलता है जब डिविडेंड देता हो कंपनी, बोनस देता हो और स्प्लिट होता है, जब स्प्लिट होगा तो और भी अच्छी बात है, डिविडेंड बोनस देगा तो ये तो दोस्तों सोने पे सुहागा हो गया। क्योंकि जिस कंपनी के पास जितना ज़्यादा प्रॉफिट आता है उतना ज़्यादा ही वो डिविडेंड देती है और बोनस देती है, उसका मतलब तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो डिविडेंड सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। डिविडेंड के मामले में दोस्तों ये 2017 तक, 2013 से लेकर 2017 तक, मतलब कि दोस्तों 2 ईयर्स अभी नहीं दिया है, लेकिन पहले कितना डिविडेंड देता था, 10-20, मतलब 10 से 20 भी किया था, अच्छी बात है, 2 गुना कर दिया, लेकिन 20 से 5 कर दिया, 7 कर दिया, 5 कर दिया, मतलब दोस्तों इसमें प्रॉफिट थोड़ा कम होने लगा, ठीक है। और कंपनी ने बोनस नहीं दिया है, लेकिन कम एक बार स्प्लिट जरूर हुआ, ठीक है, स्प्लिट एक बार हुआ, चलो दोस्तों वो भी बहुत अच्छी बात है, स्प्लिट हुआ ये भी एक बहुत बड़ा बात होता है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी का जितना वैल्यू है ना, उससे 50% इस पर कर्ज है, मतलब जितना इसके पास असेट है, लिक्विडिटी का बात नहीं कर रहा हूँ, जितना इसके पास असेट है उससे आधा कर्ज है। मतलब इसके पास अगर 100 रुपीज़ का असेट है तो 50 रुपीज़ इसके पास असेट है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए जो टोटल डिप, मतलब कितना कर्ज है कंपनी के ऊपर, कितना कर्ज है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए 130 करोड़, ठीक है, 130 करोड़ के आसपास इसके पास कर्ज है। और टोटल असेट देख लेते हैं, टोटल असेट कितना है, क्योंकि असेट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, कंपनी में बहुत ज़्यादा मान्य रखती है, देख लीजिए 352, ठीक है दोस्तों। तो मान लीजिए कि ये 50% या मान लीजिए कि 35% तो इसके पास ये कर्ज है, ठीक है। तो अगर कुछ होता है तो कंपनी तो बेयर कर लेगी, लॉस बेयर कर लेगी, उसके बाद जब प्रॉफिट में आएगा तब पता चलेगा। तो ये मुझे एक नेगेटिव पॉइंट लगा कि कंपनी के पास थोड़ा कर्ज है, और कंपनी के पास थोड़ा कर्ज है दोस्तों, प्रॉफिट में भी कंपनी थोड़ा सा घट गई थी। यहाँ पर दिखा देता हूँ प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट कैसा हो रहा है, तो नेट प्रॉफिट भी आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। 2018 में देख सकते हैं 1 करोड़ के आसपास था, 1.5, मतलब 1.5 करोड़ के आसपास था, 1.5 करोड़। और यहाँ पर देख सकते हैं 2 करोड़ के आसपास था, यहाँ पर देख लीजिए वो भी चला गया, और फिर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं मिला दोस्तों, और 2019 में कुछ भी नहीं मिला, लेकिन सितंबर में दोस्तों फाड़ दिया सीधा 9 पॉइंट, मतलब कि दोस्तों 9 करोड़, मतलब बहुत अच्छा। आप सोच सकते हो दोस्तों, जहां पर इसको 1 करोड़ नहीं मिलता था 2018 में, और 2019 में जैसे ही 9 करोड़ मिला, सोच सकते हो कंपनी ने बहुत अच्छा बाउंस बैक लिया, और उसके बाद आज के डेट में इसका होल्डिंग बहुत तगड़ा, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज अगर ऐसी कंपनी को आप खरीदना चाहते हो तो प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा मिलेगा, लेकिन आप भी सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा, ठीक है, सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा प्लीज। उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।